नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलेन सोली। पीपी रोड पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट बक्सर मिल रहा अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। शराब से भरी जीप हुई जब्त, तस्कर फरार, पुलिस जुटी तफ्तीश में। मछली विक्रेता से 40,000 की लूट, शिकायत के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस। नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे युवक को औद्योगिक थाना की पुलिस ने लिया हिरासत में। और बकरीद पर्व को लेकर धनसोई थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक, काम धेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। औद्योगिक थाना की पुलिस ने शराब से भरी एक जीप को जब्त किया है, जिसके अंदर से पुलिस ने 143 पीस शराब का टेट्रा पैक के अलावे इंपीरियर ब्लू शराब का एक बोतल भी बरामद किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी से तस्कर शराब लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने वीर कुंवर सिंह सेतु पर जाँच शुरू किया। इसी बीच पुलिस को देखकर तस्कर शराब से भरी जीप लेकर भागने लगा। तस्कर को भागते देख पुलिस ने उसका पीछा किया, हालांकि कुछ दूर जाने के बाद तस्कर जीप को सड़क पर ही खड़े कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जब जीप की तलाशी ली तो उसके अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। फिलहाल जीप के नंबर के आधार पर पुलिस तस्कर की पहचान में जुट गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा मार्ग पर हथियार का भय दिखाकर अपराधियों ने एक मछली विक्रेता से 40,000 रुपए की लूट कर ली। घटना गम्हरिया गांव के पास उस वक्त घटी जब मछली विक्रेता अपनी बाइक से जा रहा था। उसी समय अन्य बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उसे रोका और हथियार का भय दिखाकर उससे 40,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना की जानकारी पीड़ित द्वारा मुफस्सिल थाने को दिए जाने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और अपराधियों के बारे में भी पता लगाने में जुट गई है। मछली विक्रेता धर्मेंद्र कुमार ने बताया है कि पैसे लेकर मछली खरीदने के लिए वह बक्सर जा रहा था, इसी दौरान अपराधियों ने उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी लागू है और पुलिस इसे सफल कराने को लेकर दिन रात पसीने बहा रही है। बावजूद इसके शराब तस्करी करने वालों और शराब पीने वालों पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक शराबी को नशे में धुत होकर हंगामा करते देख स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत युवक को हंगामा करते देख उसे हिरासत में लेने की कोशिश की तो नशे में धुत युवक ने मौके पर जमकर ड्रामा मचाया। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। दरअसल युवक ने इतनी ज्यादा मात्रा में शराब पी रखी थी कि उसे न तो चलने का होश था और न ही बोलने का। आखिरकार चौकीदार और पुलिस कर्मियों की मदद से उसे सरकारी गाड़ी में बैठाया गया और फिर उसे मेडिकल के लिए भेजा गया। अब सवाल यह है कि शराबबंदी के बावजूद भी लोग खुलेआम शराब पीने और फिर हंगामा करने जैसे कार्य से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उन्हें न तो बिहार में शराबबंदी की परवाह है और न ही पुलिस का खौफ। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर शुक्रवार को धनसोई थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान धनसोई थाना अध्यक्ष कमल नयन पांडे ने लोगों से बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाने की अपील की। थानाध्यक्ष ने कहा कि थाना क्षेत्र के सभी जगह पर मजिस्ट्रेट की नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कहीं से भी कोई अफवाह फैलाए या अवैध रूप से शराब बिक्री या सेवन कर रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। हालांकि इस दौरान धनसोई बाजार में आए दिन लग रहे जाम को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने पुलिस का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चिन्हित जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर प्रशासन से अपील की। गौरतलब है कि आगामी बकरीद पर्व को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सभी थाना अध्यक्षों को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह की कोई सूचना मिलने पर अविलंब कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी किया गया है।
दहेज के लिए विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे उसकी 8 वर्षीय बच्ची के साथ घर से निकाल देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने मामले में महिला थाना में ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश कर रही है। मामले में उसने बताया है कि दहेज प्रताड़ना को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही वह अपने ससुराल में रहने गई थी, लेकिन ससुराल वालों ने उसे काफी प्रताड़ित किया और फिर उसकी मासूम बच्ची के साथ उसे घर से निकाल दिया। मामला इटाही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि पीड़िता ने बताया है कि शुरू से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। बाद में उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और प्रताड़ना का दौर जारी रखा, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच मामले को निपटाने की भी कई बार कोशिश हुई, लेकिन दहेज को लेकर उनका लोभ बढ़ता गया और उन लोगों ने प्रताड़ना का दौर भी जारी रखा। हार कर पीड़िता ने महिला थाने में अपने पति ससुर और समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इधर महिला थाना पुलिस का दावा है कि मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।